अस्सलामुअलैकुम। देख सकते हैं कि ये थोड़े सा ब्राउन हो गए हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने ऑलरेडी चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट करके धो के तैयार कर लिया था। अब ये अदरक लहसुन और प्याज जब तैयार हो जाता है तो मसाला बन जाता है, चिकन को हम इसमें ही डाल देते हैं। हमने ऑलरेडी टमाटर काट के रख दिए हैं, इससे बस जब ये थोड़ा सा गोश्त थोड़ा सा सिंक हो जाए तो इसको हम टमाटर के साथ मिक्स करेंगे और मसाले डाल देंगे। देख सकते हैं मैंने चावल को उबाल के अब इसको मैंने उसके पानी निकाल के इसको सुखा दिया है। अब ये चिकन का मसाला तैयार हो जाए तो इनकी मैं लेयर बना के बना दूँगी, बिरयानी दम पे रख दूँगी। तो देखते हैं क्या होता है, ये आप देख सकते हैं और चिकन ये मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है और इसका रंग भी अभी चेंज हो गया और बहुत मज़े की लग रही है। अब इसकी खुशबू इतनी फैल गई है तो सोचो ये जब तैयार हो तो बाहर आएगी तब क्या होगा। ऐसा है इसमें सारे मिक्स मसाले हैं और ये स्पेशली पाकिस्तान का शान मसाला है, इससे बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। अब यही मसाला मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और इसके बाद ही मैं टमाटर डालने वाली हूँ। ये जो मैंने बारीक काटे थे ना, ये टमाटर अब इसमें जाएंगे और इसको अच्छे से मतलब तेल बाहर निकलेगा, मैं इनको अच्छे से तभी हम इसको चावल के साथ मिक्स कर सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से भून दूँगी। अब ये मैंने मिंट वो किए थे, इनके पत्ते अलग किए थे और इन्हीं मिंट को मैं अभी ये जो मसाला बना हुआ है बिरयानी का इसमें डालने वाली हूँ, ठीक है। और इसका मज़ा ही कुछ अलग होगा क्योंकि पता है पुदीने के खुशबू से पूरा घर महक जाता है। ये आप देख सकते हैं बिरयानी का मसाला कितने मज़े का बना हुआ है, बहुत मज़े का। अब मैं इसको वाइट राइस के साथ लेयर बना के दम पे रख दूँगी। अब ये मसाला देख सकते हैं, हम इसकी लेयर बनाएंगे नीचे से। अब ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लेयर बनाया हुआ है, अब इस लेयर पे मैं ये चावल ऊपर से मिक्स करूँगी। मतलब अपने हिसाब से लेयर, आप इसको थिक भी ले सकते हो और अपनी मर्ज़ी से आप लेयर बना दे दें अगर आप लेयर वाले बिरयानी बना रहे हैं तो। तो मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है ताकि, क्योंकि मैंने चावल ज़्यादा है और मेरा मसाला कम है, इसीलिए देख सकते हैं लोग मतलब तीन चार लेयर बनाते हैं लेकिन मैं कम बिरयानी बना रही हूँ तो मैंने दो लेयर ही बना दी है। और मैं ये जो सारा कुछ मसाला जो बचा हुआ था इस लेयर में कवर कर लूँगी और इसको दम पे रखूँगी। इसके ऊपर ही मैं चावल का मैंने जो बड़ा सा हिस्सा रखा था वो इसमें डालना है मैंने। अब अभी देख सकते हैं ये पूरा मैंने एक अच्छे से इसको कवर अप कर लिया है ऊपर से। अब ये जो मेरे बचा हुआ चावल है, अब इस चावल को मैंने इसके ऊपर डाल के कवर करके दम पे रखना है। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करने वाली हूँ, वो भी आप देख लेंगे फिलहाल के लिए। अब मैंने इसका एक ऊपर से जो मतलब बिरयानी वाला पैच लुक आता है इसके लिए मैंने बिरयानी का थोड़ा सा मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, पानी के साथ मिक्स कर दिया है अच्छे से और इसकी मैंने यहाँ से थोड़ा सा डेकोरेट करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें मैं डालूँगी ये मिंट पुदीना ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए और मैंने अभी इसको दम पे लगाना है। अब हमारी बिरयानी तैयार, यम्मी यम्मी बिरयानी, इसकी खुशबू ही अलग है। अब देखते हैं, इट्स कूल यू नो। अब इसके पूरे वो देख सकते हैं बिल्कुल दम से बिल्कुल मस्त निकला है और हम इसको मिक्स करेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून।